विनय जी, आप बताएं आप कहाँ से आए हुए हैं, ठीक है? आप जो समस्या है कब से है, ठीक है, क्या समस्या है, ठीक है ना? तो प्लीज़ अपने बारे में बताएं आप। सर, मेरा नाम विनय पाल है और मैं अम्बेडकर नगर से आया हूँ और वहाँ जलालपुर एक एरिया हूँ, वहाँ से आया हूँ। और सर, बोलिए बोलिए। मैं सर काफ़ी परेशान था, पेट, अपने पेट की वजह से बहुत परेशान था सर। मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, हमको आराम कहीं से नहीं मिला। और सर, लोग तरह तरह की बात करते थे कि तुम कोई ऊपर की दिखा लो। सर बहुत दिखा के थक गए, आराम नहीं मिला पेट से। इसके बाद सर मैंने जो आपका ऐड देखा यूट्यूब पे, इसके बाद वहाँ से लोगों का इंटरव्यू सुना, वहाँ लोग ठीक हो रहे थे और पूरी तरह फिट होके जा रहे थे। यहाँ तक कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, किसी के सर में भी दर्द हो, या पेट के जो नाभि खसक जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर जो है ठीक हो जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि भाइयों बहनों आप भी यहाँ पर आएँ और आकर यहाँ पर दिखाएं एक बार डॉक्टर को। आप अपने बारे में बताइए कि आप सुनीता फिजियोथेरेपी में इलाहाबाद में आपने ट्रीटमेंट लिया, और जो समस्या थी आपकी समस्या क्या हो रही थी? सर यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट जो लिया, हमें समस्या जो धीरे धीरे आराम हुआ, आज 5वां दिन है, हमको पूरी तरह से आराम महसूस हो रहा है। क्या समस्या क्या हो रही थी आपको? सर बार बार हमको जैसे नाभि से खसक जाना, बार बार यही समस्या थी सर। बहुत जगह दिखाया सर, इससे आराम नहीं मिल रहा था। अच्छा, तब मतलब बार बार नाभि खिसक रही थी आपकी, जो जी है सर, पेट में हमेशा मतलब लूज जी मोशन सर, टाइप का होता लूज था ना? मोशन होता था, अच्छा, पेट सही नहीं रहता पेट था, सही नहीं रहता, कब्ज बनती रहती थी। कब्ज बनती थी, आम तरह से बार बार तकलीफ होती थी। तो अभी 5 दिन में आपने ट्रीटमेंट लिया, और 5 दिन में आप सेटिस्फाइड हैं कि मतलब मुझे आराम है? जी सर, 100% सेटिस्फाई हूँ। 100% आप सेटिस्फाइड कि मतलब मुझे सुनीता फिजियोथेरेपी जी सर, जी हॉस्पिटल सर, प्रयागराज से काफ़ी आराम मिला है। जी सर, तो जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप रिकमेंड करें कि हाँ मतलब अगर कोई अगर ऐसी कोई समस्या है तो एक बार सुनीता फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल प्रयागराज में आकर दिखा सकते हैं। जी आप लोग जो YouTube यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक बार डॉक्टर साहब को मौका ज़रूर दें, और अगर कोई भी तकलीफ़ हो यहाँ पर आकर दिखा लीजिए, क्योंकि बार चलिए, बार भटकने से अच्छा है डॉक्टर साहब को एक बार मौका दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी को ऐसी समस्या है, कब बार बार धड़ंग उठ रहे हैं, नल्ले पड़ रहे हैं, जो है गांठें बन रही हैं, तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो एक बार जरूर सुनीता फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल प्रयागराज में आके संपर्क करें। वीडियो पसंद है इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Thank you.